नमस्कार दोस्तों, रूही किचन में आपका स्वागत है। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं एकदम आसान, हेल्दी और एगिटेरियन लोगों की फेवरेट पोटैटो एग करी, यानी कि अंडा आलू करी। इसको घर पर बनाना बिल्कुल ही आसान है। और सबसे खास बात, रेस्टोरेंट और होटल में जो एग करी हम खाते हैं उसके एग काफी पुराने होते हैं और एग का मजा ताजे ताजे खाने में है। इसके लिए सबसे पहले हम एग को उबालने के लिए रख देंगे और बाकी का मसाला साथ में तैयार करेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में तेल को गर्म करेंगे और आलू के टुकड़ों को उसमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसके बाद उबले हुए अंडों को फ्राई करेंगे जब तक उसमें क्रंची कोटिंग ना आ जाए। अब बचे हुए तेल में हींग, जीरा और अदरक लहसुन हरी मिर्च को भुनेंगे। इसका क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाएगा, उसमें आप देख लीजिएगा। बाद में प्याज का पेस्ट गोल्डन ब्राउन होने तक डालेंगे और उसकी भुनाई करेंगे। इसकी भुनाई करेंगे अब, और इसके बाद जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें टोमेटो का पेस्ट डाला जाएगा। जैसे ही टोमेटो से ऑयल सेपरेट होगा तो उसके बाद इसमें हम मसाला डालेंगे, लेकिन उससे पहले टमाटर, प्याज और पूरे मसालों की भुनाई होगी और ऑयल को सेपरेट किया जाएगा। मसाले को ध्यान से अच्छी तरह पकाना है। और एग करी नॉनवेज का बेटर रिप्लेसमेंट है, इसलिए इसको वर्ल्ड वाइड ज़्यादा खाया जाता है। कैल्शियम रिच, प्रोटीन रिच, हाई हेल्दी डाइटरी सप्लीमेंट इसमें होता है, इसलिए इसको अच्छी तरह बनाएं जैसे हम बना रहे हैं। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी डाली है, आधा चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच सब्जी मसाला और एक चौथाई चम्मच जीरा पाउडर। इन सब मसालों को अब अच्छी तरह मिलाया जाएगा और इसको भुना जाएगा जब तक कि मसाला अलग और ऑयल अलग ना हो जाए। अब इसमें हमने अपने तले हुए पोटैटो क्यूब्स डाले हैं जो हमने पहले से फ्राई करके तैयार करे हैं, तो इसको इसमें बाइंड करेंगे मसाले को। इसमें पानी ऐड करेंगे एक कटोरी, जिससे कि ग्रेवी बन जाए। अब इसको पकाना है और इसके बाद जब ये पक जाएगा तो हम इसमें अपने बॉइल्ड एग जो हमने फ्राई करके रखे हैं वो डालेंगे। इसमें हमने कट लगा दिया था जिससे कि मसाला अंदर तक एग के अंदर पूरा मिक्स हो जाए। अगर एग खाएं तो मसाले का स्वाद एग के साथ भी आए। तो इसे बढ़िया करके आप गार्निशिंग करेंगे धनिया की पत्ती के साथ और थिक ग्रेवी होने तक इसको पकाया जाएगा। इसको पकाने के बाद लगभग हमारी पोटैटो एग करी तैयार हो चुकी है। अब इसको प्लेट में सर्व किया जाएगा। प्लेटिंग करने के बाद इसको आप राइस, रोटी, नान के साथ खा सकते हैं।